सीपीआईएम के रुकन सुभाषनी अली ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से किसानों की तहरीक मुल्क भर में एक बड़ी तहरीक के तौर पर उभरी है, उस तरीके से हुकूमत ने किसानों की तहरीक को तवज्जो नहीं दी है। वहीं कल होने वाले इजलास से लगता है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने सुभाषनी अली से बातचीत की। हमारे साथ किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए सीपीआईएम की सदस्य और पूर्व सांसद सुभाषनी अली जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है और लगातार जुड़ाव रहा है उनका, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से किसानों की बात की जाए तो उनके आंदोलन में आप शामिल रहीं, अब क्या लगता है आपको? देखिए, किसानों का बहुत अद्भुत आंदोलन है, ऐसा आंदोलन कभी देखा नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी से पहले कभी ऐसा आंदोलन हुआ है, और इस आंदोलन को लगातार लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रेरित नहीं है, ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल द्वारा संचालित भी नहीं है। ये किसानों का अपना आंदोलन है, जिसमें उनकी जो अपनी यूनियंस हैं और यूनियन की जो संयुक्त कमेटी है, वही पूरी तरह से इस आंदोलन को पहले दिन से चला रही है। लेकिन इसी चुनाव के डर से और किसान आंदोलन को प्राप्त हमदर्दी और उसकी ताकत की वजह से सरकार ने इन तीन कानून को वापस लेने की घोषणा की। लेकिन कैसे की? आप देखिए, किसी एक आंदोलन में हमेशा ये होता है, कुछ लोग शहीद होते हैं और ये लोग शहीद हुए हैं, और हमारी सरकार, प्रधानमंत्री उनके लिए एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसानों के जले पर रोज़ नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। जो SKM की कमेटी है, चूँकि वो बाद में आंदोलन से जुड़े, तो SKM की कमेटी तो पहले से ही बनी हुई है, नहीं संयुक्त किसान मोर्चा, तो वो कमेटी कल बैठने जा रही है और उस कमेटी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सारे उनके प्रतिनिधि हैं उसमें। तो वो लोग तय करेंगे कि सरकार जो कमेटी बना रही है, कि कमेटी बना रही है कि नहीं, उसमें क्या होना है, वो आगे का क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता है कि बिना सरकार के कोई ठोस सुझाव के और MSP पर कोई ठोस आश्वासन के, ऐसा लगता नहीं है कि अभी यह आंदोलन वापस हो जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सुभाषनी अली जी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से वो किसान आंदोलन में शामिल रहीं और कल जो मीटिंग होने वाली है, उन्हें नहीं लगता है कि किसान अभी हटेंगे, क्योंकि उनकी मांगे उस तरह से पूरी नहीं हुई हैं, दोषियों को सजा नहीं मिली है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज 18 उर्दू। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल रुकेंगे।